तीसरा कहते हैं साधु संगत सत्संगत आदि घर भवन में यानी संतान हो विद्यावान हो यशस्वी हो तपस्वी मनस्वी जिससे उनके वृद्धि होवे। इसलिए यहाँ जो है इनका स्तुति करके जो है देवताओं के सब पितरों का नाम स्मरण किया जाता है। तो पितृ का वंश कैसे बढ़ता है? स्त्री से। अगर स्त्री ना हो तो कुल की वृद्धि हो सकती है, वंश की वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें स्तुति भी किसकी होती है? प्रथम में देवी की। बिना देवी की स्तुति के संभव नहीं है। बोले लंबोदर भगवान की जय। हम तो नोट वाला माला पहने थे वहाँ पे। अब यही तो कागज यहाँ पहना जाता है, हमको नहीं पता था। नोट का ही माला पहना है और क्या। वो भसुर वसुर जो जाते हैं उसमें भले थोड़ा सा मजाक करते हैं, दूल्हे साथ थोड़ी करते हैं। पंडित जी के लिए पंडित जी तो उधर की नाउन करते हैं। अगर वो लोग नाउन हो तो करें अभी पंडित जी बोलते गोल्डन लाइफ है वो, मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम जगत लाइफ खत्म हुआ है। समझिए कि अपनी जिंदगी खत्म हो गई, अब दूसरे की जिंदगी चालू हो गई है। जहाँ से आप रुपया कमाना शुरू कर दिए समझिए कि वो आपका काउंट डाउन स्टार्ट कमी कहाँ छोड़ी के गोदी माँ गौरी के आओ भंदया जे तुम्हें बुलाता कि बंदहु शंभु भवानी के नंदन बंदहु शंभु भवानी के नंदन आनंद निकंदन पति जय दीनदायक दीन सिंह दायक मौके पसी जय बुद्धि के दाता गजानन मोर बुद्धि की जो अमृत वाहन छोड़ी विनायक अमृत वाहन छोड़ी विनायक जाने आई भैया जो इस शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी काज सवारंत हो सबकी माँ शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी काज सवारंत हो सबकी माँ अहोति कृपा जो तुम्हारी रहे बने सब काज न देर लगे माँ सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ मेरी भी कामना पूर्ण करे माँ गौरी हमारा भी कष्ट हरे माँ नमामि मातु अम्बिके तिलोक लोकवासिनी विशाल चक्षु मोहिनी जास वंश नाशिनी समस्त कल्प हारिणी सदा प्रीति कारिणी अनंत रूप धारिणी त्रिलोक देवी तारिणी सवार सिंह शेष महाबला कपर्दनी असीम शक्ति स्रोत मातु चंड मुंड मर्दनी पूजा विशाल भव्य भाल हस्त शूल धारिणी काल क्रोध ज्वाल सिंह सीत हारिणी
हम लोग मम्मी जीजू को पास्ता भोते भव्य हव्य कव्य भार्गवादिसेवितम् पूर्ण सूर्य कर्म वादिनम् कलप्तवादिनम् नमो गजाननम्